रवेन ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इससे आने वाली वीडियो में सबसे पहले आपको अपडेट मिल सकेगी। आज का टॉपिक है हमारा पेपर कटिंग पर स्टीम। स्टीम की लंबाई है 4 इंच। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, ये हमने एक पेपर लिया 4 इंच की स्टीम बनाएंगे। लंबाई है हमारी 4 इंच और आर्म होल की चौड़ाई है 7.5 इंच और गोलाई है हमारी 6 इंच। फ्रेंड्स, इस प्रकार फ्रेंड्स 4 इंच की स्टीम बनाई है। आर्म होल है हमारा 7.5 इंच। फ्रेंड्स, इस प्रकार जी आर्म होल हो गया 7.5 इंच। कम काट देंगे फ्रेंड। ये हमारी फ्रेंड्स 4 इंच की स्टिंग कट चुकी है। 5 इंच की फ्रेंड पाँच 75 यानी 6.5 इंच हमारी स्टिंग की गुलाई है। फ्रेंड्स, ये 7.5 इंच आर्म होल अब हम इस पे रखकर दोनों को इधर से लेंगे। फ्रेंड्स 2.5 इंच लेंगे इधर से, इस प्रकार गोलाई के लिए। इधर से हम 2 इंच छोड़ेंगे, 1 इंच छोड़ेंगे। फ्रेंड इधर से सीधा इससे ऐसा निकाल पाएंगे। इस प्रकार से हम गुलाई काटते हैं इसकी। फ्रेंड्स, दोनों स्टीम को इस प्रकार रख के इसकी गुलाई काट देंगे। फ्रेंड्स, तो दोनों एक साथ कट जाएंगे। ये फ्रेंड्स हमारी 4 इंच की स्टीम बन चुकी है। इस प्रकार देखिए दोनों की कटिंग हो चुकी है। 4 इंच लंबाई हो चुकी है हमारी। 1 इंच मार्जिन हो जाएगा हमारा दोनों साइड पे। इस प्रकार इधर से 1 इंच मार्जिन लेंगे। इस प्रकार सरल तरीके से हमारी दोनों स्टीम कट चुकी हैं 4 इंच की। फ्रेंड्स, देखिए 4 इंच लंबाई है हमारी, 7.5 का आर्म होल से और 6 इंच गुलाई है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों स्टीम हमारी रेडी हो चुकी हैं। इस प्रकार से आप भी काट सकते हैं सरल तरीके से स्टीम गुलाई बिल्कुल गोल। अगली वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स पेपर कटिंग की सहायता से आप कपड़े पर रखकर स्टीम किस प्रकार काट सकते हैं, इसी को हम रखकर अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स।